छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले में रेत खदान शुरू करने और अपने मुख्यमंत्री जी ने एक फतवा जारी कर दिया कि रेत की तस्करी पर रोक लगाई जाए, पर रोक लगाने के नाम पर जो आम नागरिक हैं उनके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। आष्टा में बंजारों के दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष के बाद इस घटना में एक पक्ष के तीन लोगों की मौत, दोनों पक्ष से 23 लोग घायल हुए थे। नक्सलियों का आतंक बदस्तूर जारी, अब गिट्टी से भरे दो वाहनों को किया आग के हवाले, एक दिन पहले सॉइल टेस्टिंग मशीन में लगाई थी आग, पुलिस ने की घटना की पुष्टि। कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा, ट्रक में 24 मवेशी घूस घूस कर भरे गए थे। पशुओं से भरा ट्रक कोतमा से कानपुर ले जाया जा रहा था, पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने खोए हुए मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को किए सुपुर्द, 57 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके मालिकों को किया वापस, मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस को किया धन्यवाद। यूपी की साइबर सेल है, लगातार प्रयास करती रहती किसी का मोबाइल का कहीं चालू हो जाए, सिम वगैरह कोई नोटिफिकेशन किस तरीके से मिलती है, तो उस पर कार्रवाई लगातार करते हैं। इसमें भी आज की तारीख 56 ऐसे लोगों के मोबाइल मिले हैं जो पहले कहीं गुम हो गए थे। और खंडवा में पिछले 16 साल से परिवार के सदस्य और माता पिता के बेटे के समान रहा एक सौगी, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो परिजनों ने घर के अंदर ही उसकी बनाई समाधि। यह शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसको मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला। जब शुरू दिन उसको लाए थे तो मैं बहुत गुस्सा आई थी कि मैं इसकी देखरेख कैसे करूंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना स्नेह हो गया कि उसके बिना मतलब एक पल भी। देवास में एक अज्ञात बदमाश वर्कशॉप में बाहर खड़ी काले रंग की स्विफ्ट कार चोरी करके ले गया, आरोपी द्वारा जिले के सोनकच्छ नगर के पास एक चलो तो हमारे लड़का विशाल बिल लेने गया, बिल निकालने गया मशीन से, जब तक इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और भागने लगा तो उसको फिर पीछा करके हमारे विशाल भाई ने उसको पकड़ लिया। फिर हमने उसको पकड़ा। रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रवास को लेकर जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शन के पहले कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी रैली निकालकर नारेबाजी की। देश के मुख्य विपक्ष पार्टी जो कि कांग्रेस है, ऐसे कांग्रेस की पार्टी पहले तो अपने आप में कंफ्यूज है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में असमर्थ है, पहले तो वो राहुल गांधी को अपना नेता बता। एक युवक द्वारा जन्मदिन मनाने के दौरान सड़क पर भीड़ में बंदूक से हर्ष फायर करने और तलवार से केक काटने का वीडियो आया सामने, वीडियो रतलाम जिले के ताल का है जहां युवक खुली तलवार से केक काटते दिखाई दे रहा है। नगर निगम चिरमिरी कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल निगम कर्मचारियों प्लेसमेंट कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की मांग को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। रीवा कलेक्ट्रेट और न्यायालय को बम छोड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से समाचार पत्र के कार्यालय में भेजा गया धमकी भरा खत, पुलिस प्रशासन हरकत में आया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले में रेत खदान
शुरू करने और अपने मुख्यमंत्री जी ने फतवा जारी कर दिया कि रेत की तस्करी पर रोक लगाई जाए, पर रोक लगाने के नाम पर जो आम नागरिक हैं उनके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। आष्टा में बंजारों के दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष के बाद इस घटना में एक पक्ष के 3 लोगों की मौत, दोनों पक्ष से 23 लोग घायल हुए थे। नक्सलियों का आतंक बदस्तूर जारी है। अब गिट्टी से भरे 2 वाहनों को किया आग के हवाले। 1 दिन पहले सॉइल टेस्टिंग मशीन में लगाई थी आग, पुलिस ने की घटना की पुष्टि। कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 24 मवेशी घूस घूस कर भरे गए थे। पशुओं से भरा ट्रक कोतमा से कानपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। रोड से पुलिस ने खोए हुए मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को किए सुपुर्द। 57 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके मालिकों को किया वापस। मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस को किया धन्यवाद। यूपी के साइबर सेल है, लगातार प्रयास करती रहती किसी का मोबाइल का कहीं चालू हो जाए, सिम वगैरह कोई नोटिफिकेशन किस तरीके से मिलती है, तो उस पर कार्रवाई लगातार करते हैं। इसमें भी आज की तारीख में 56 ऐसे लोगों के मोबाइल मिले हैं जो पहले कहीं गुम हो गए थे। और खंडवा में पिछले 16 साल से परिवार के सदस्य और माता पिता के बेटे के समान रहा एक स्वामी, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो परिजनों ने घर के अंदर ही उसकी बनाई समाधि। यह शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसको मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला। जब शुरू दिन उसको लाए थे तो मैं बहुत गुस्सा आई थी कि मैं इसकी देखरेख कैसे करूंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना स्नेह हो गया कि उसके बिना मतलब एक पल भी।